कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आपने सोचा कि मुझ पे क्या बीती होगी जब मैंने उसे किसी खैर के साथ देखा होगा। How dare you? मैं जानता हूं तुम सब मिल जाओ, मां बेटा मिलके मुझे बेइज्जत करने के प्रोग्राम बनाओ, बनाओ प्रोग्राम। मुझे नहीं मालूम वो क्यों बुला रही है। खुदा का खौफ कर क्यों झूठ बोलती है। बाबा प्लीज लाइट्स ऑफ रहने दें, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। मैं हूं। बाबा ने बुलवाया होगा तुम्हें। रोशनी में रहोगे तो सब दिखाई देगा, अंधेरे में तो मोहब्बत का भी दम घुटने लगता है मेरी जान। बाबा परेशान है, उन्होंने इससे पहले तुम्हें कभी इस हालत में नहीं देखा। हुआ क्या है, बड़ी रकम हार गए हो क्या? इस खेल में तो बाबर न्याज अपने आप को ही हार गया यार। प्लीज उसे कहो मेरी मोहब्बत कबूल कर ले, वरना वरना गजब हो जाएगा यार। वो लड़की है, तेरी बंदूक के निशाने पे आया हुआ कोई परिंदा नहीं जिसे तू हर कीमत पर शिकार करना चाहता है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि तू यहां आएगा और मुझसे ऐसी ही बातें करेगा, इसीलिए मैंने बाबा से कहा था कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहने दें। एक बात याद रख, पुरवा मेरी मोहब्बत है या मेरी ख्वाहिश, मुझे उसे हासिल करना है हर कीमत पर, और हासिल मैं उसे करूंगा। बाबर न्यास के रवैये ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ उसने मुझसे आज कहा पहले कभी नहीं कहा। पूर्वा, एक बार तुम उससे मिल लो। ये आप क्या कह रहे हैं जफर, आप शायद खालू को नहीं जानते, जिंदा गाड़ देंगे वो इसको। तुम बाबर न्यास को नहीं जानती हो, अगर पुरवा उसे ना मिली तो। जफर भाई, मैं उसे हरगिज नहीं मिल सकती, इसलिए नहीं कि बाबा को पता चलेगा तो वो बुरा मनाएंगे, बल्कि इसलिए कि बाबा को नहीं पता और मुझे उसको मिलते हुए बुरा लगेगा। मैं जानता हूं आपको, आपकी फैमिली को, आपकी शख्सियत, आपकी तरबियत हर रोज जिक्र में रहती है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर आपकी मोहब्बत में उसने जान दे दी तो। सफर भाई, जान जैसी कीमती चीजें कोई भला मुझ जैसी अदना लड़की पे क्यों कुर्बान करेगा। एक दो हफ्तों की बात है या शायद महीना, सब भूल जाएगा। ये आपकी भूल है, वो आपको नहीं भूलेगा। तू कहाँ जा रही? खाना बनाने। पहले इस खिचड़ी का तो मजा ले ले जो इसने उफक के साथ मिलके पकाई है। जारा, समझाओ इन्हें, ये बातें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे बाबा ने बचपन से जो मेरी तरबियत की है, जो बातें मुझे सिखाई हैं, उनमें एक बात यह है कि मुझे महरम और ना महरम की पहचान होनी चाहिए। इस बात का सिर्फ एक ही हल है, उसे कहिए वो प्रपोजल भेजे और सीधी तरह ब्याह कर ले जाए इसे घर। कैसी बातें कर रहे हैं, वो ये पहले करके देख चुका है। क्या हुआ, अम्मी को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया, उनकी सारी तरबियत पानी कर दी, हमारी सारी जिंदगी की रियाजत मट्टी में मिला के रख दी। जिस आदमी की वजह से मेरी इज्जत पे हर्फ आया ना,
उसके साथ मैं कभी अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती जफर भाई। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। जा रही हूं, खुदा हाफिज। शुक्र है पुरवा उसकी मोहब्बत का शिकार नहीं हुई, वरना आप खालू को नहीं जानते। और तुम बाबर न्यास को? आप उसके वकील हैं क्या? ऐसी बात नहीं है जारा, बाबर न्यास बहुत बदल चुका है, उसका बिहेवियर, उसकी फीलिंग सब कुछ चेंज हो चुका है, इवन यू कांट इमेजिन। सलाम अलैकुम बाबा। हाँ जफर बेटा, बाबर गाड़ी लेकर निकल गया है, मैंने बहुत रोका लेकिन। तो कोई बात नहीं बाबा, वो कोई बच्चा थोड़ी है। नहीं बेटा, वो ऐसी हालत में नहीं है, उसे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अगर मैं कहीं उनसे फोन करता हूँ तो कहीं फोन सुनने के चक्कर में कोई हादसा ना कर बैठे। बेटा मुझे डर है कि कहीं वो इस हालत में पुरवा बेटी के घर ना चला जाए। कोई बात नहीं, खुला रहने दो। ये देखो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ, बताओ मुझे आता है कि नहीं आता। मुझे भी नहीं आता जी। तुम पढ़े क्यों नहीं? हमारे गांव में सब ऐसे ही रहते हैं। लेकिन यहाँ शहर में ऐसे नहीं रहते। अब्बा जी होते तो शायद पढ़ जाता जी, बेजी बताती हैं बहुत शौक था उनको। तो उनके शौक की खातिर ही पढ़ लेते। अब जिक्रिया क्या करता, बेजी कभी गद्दम की बुआई तो कभी चावल की कटाई पे लगा देती हैं और लोगों से कहती फिरती हैं मैं पढ़ाई से भाग गई हूँ। कहा तो उन्होंने ऐसे ही था। झूठ बोलती हैं वो। बुरी बात, बड़ों को ऐसे नहीं कहते कि वो झूठ बोलते हैं, बड़े झूठ नहीं बोलते। वो बोलती हैं कभी कभी। कसम से। तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें पढ़ना है। मैं तो बहुत बड़ा हो गया ना अब। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तुम हिम्मत करो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। आप? हाँ, तालीम ऐसा गहना है जो कभी चोरी नहीं होता। बड़ी मुश्किल बातें करती हैं आप। जिक्रिया! ताया जी बड़े जानदार हैं। सुनो तुम्हें पढ़ना है। दुकानदारी। खाना बनाने। पहले इस खिचड़ी का तो मजा ले ले जो इसने उफक के साथ मिलके पकाई है। इधर आ। नहीं ताया जी, मैं बावर्ची खाने में तो नहीं था। जाओ उफक को बुला। उफक। बाबा। बेटा तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है ना? जी। इसी बात की तो मुझे परेशानी हो रही थी कि बेजी ने कहा था कि जिक्रिया 8वीं जमात में स्कूल से भाग गया था। ना तुम इकट्ठे पले बड़े, ना तुम्हारा शौक एक, ना तुम्हारी तालीम, फिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहे थे इतनी देर से? बेटी जी को इम्तिहान भूला हुआ है और बेटे को काम भूला हुआ है। बाबा मैंने ही जिक्रिया को बुलाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर? बाबा मैंने ही कहा था कि तुम भी पढ़ाई कर लो, अगर ये जूते ही पॉलिश करता रहा और पौधों को ही पानी देता रहा तो क्या करेगा ये सारी जिंदगी। मेहर बेगम भाई माशाल्लाह तुम्हारी बेटी तो बहुत ही समझदार है। बाबा अगर ये पढ़ लिख जाएगा तो हमारे ही खानदान का नाम रोशन होगा ना, और तालीम के बगैर तो इंसान अधूरा है। बाबा मैं सोच रहा था कि जिक्रिया को कुछ मॉडर्न ड्रेसेस ले दूं। मैं जाऊं? ठहर,
इम्तिहान में 100 नहीं तो 95% नंबर तो मेरा हक है। चल जा, इसे क्या देख रही है, सीधी होके चल। ज़िक्रिया, ये जो शहर की लड़कियां होती हैं ना, इनका दिल बहुत कमजोर होता है, खुद से कम तर को देखकर हसास हो जाती है, तरस आ जाता है बेचारियों को, इसलिए ये कह रही थी कि तू पढ़ लिख जा। पर तेरे अंदर पढ़ने लिखने का तो जज्बा है ही नहीं बेटा, अगर होता तो तू गांव में पढ़ लिख ना जाता, अब क्यों क्यों खड़ा है? चल जा। तू तो ऐसे भाग रही है जैसे तुझे कैद से रिहाई मिली हो, रुक क्यों गई? चल जा। मैं भी चलता हूं, खुदा हाफिज। रुक। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो तुम्हें क्या परेशानी है? होने दो उसका एक्सीडेंट, ना तुम्हारी वजह से हुआ है और ना तुम्हें कोई तकलीफ हुई है। हाँ मगर क्या, साफ साफ बात करो। पता है जारा की कॉल आई थी, बता रही थी कि वो बेहोशी में मेरा नाम ले रहा था। बेहोशी की एक्टिंग कर रहा होगा। अच्छा शायद। पागल। क्या वाकई वो बेहोशी में मेरा नाम ले रहा होगा? क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ताकि तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत कर सकूं। यार मुझे वापस घर छोड़ा हो। घर ही जाना है, छोड़ाऊंगा। तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत संभल आए तो मैं खुद घर छोड़ाऊंगा। यार मुझे कहीं और नींद नहीं आती, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें सोने को कौन कह रहा है, थोड़ी देर बाद चले जाना। बात ही समझते हो, रात को कुछ लोगों ने मुझसे मिलने भी आना था। रात तक तुम्हें कौन बर्दाश्त करेगा? तुम्हारी भाभी ने कहा था वहां से जब फ्री हो तो तुम्हें यहां ले आऊं। माशाल्लाह जफर बेटा, बहू तो हमारी बहुत सुघड़ है। बाबा मैं तो खुद हैरान हूँ। ये टोटका खाला जान का है, एक बार वहाब का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने उनको दिया था। खाला जान कौन? पुर्वा की अम्मी। पुर्वा की अम्मी? भाभी प्लीज, क्या आप पुर्वा को यहाँ बुला सकती हैं? बाबर भाई मैं पहले किसी को बताए बगैर उसको कॉल कर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपके कहने पे एक बार फिर करके देख लेती हूँ। प्लीज उसे यहीं बुला ले, मैं यहाँ इंतजार कर लेता हूँ उसका। क्या बात है, परेशान हो? हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी हाँ और नहीं में बहुत कम फासला है। आप तो मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ सकते। उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैसा इंतजार? मेरे मरने का। खुदा का वास्ता है वहाँ, किस तरह की बातें कर रहे हो, अल्लाह ना करे। मेरा इतना ख्याल।
हाँ जारा। पूर्वा, बाबर हमारे घर पे ही है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। क्या कह रही हो? मैं मानती हूँ मैं गलती पर हूँ, लेकिन एक बार आने में क्या हर्ज है? पागल हो गई हो क्या? एक बीमार की आदत समझ कर ही सही। वो बहुत मेहनतें कर रहा है। कहा ना जारा कि मैं नहीं आ सकती। वो कहाँ? तुम वहाँ आपके साथ हूँ, घर जा रही हूँ। किसका फोन है? जारा है, घर बुला रही है अपने। जारा मैं नहीं आ सकती। अच्छा बाबा ना आओ। जारा हमारे क्या हो गया वहाँ? मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। मेरे बाबा को ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूर्वा, बाबर मेरा बचपन का दोस्त है, वो बहुत सीरियस है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको कभी भी ना बुलाता। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्यों बुलाया मुझे? वो चला गया। दोबारा कभी जिंदगी में ऐसी हरकत मत करना। औरतों की मीटिंग का क्या अलहदा है तो नाम है? मैं चाय का कह के आती। श्योर। पूर्वा खासी थक गई होंगी, ऑफिस से आई है, बैठी। अब मैं भी आता हूँ। तुम यहाँ? कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देते। कौन आया था? नहीं मतलब कौन, किसकी बात कर रहे हो? तुम तो मेरे सवाल पर ऐसे चौंक गई जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। तुम ना बिल्कुल खालू जान की तरह सवाल करते हो। जफर के दोस्त आए हुए थे। जख्मी थे क्या? तुम्हें कैसे पता चला? हल्दी वाला दूध देखकर अंदाजा। कौन था? मुझे क्या पता कौन था। पूर्वा को बुलाने की वजह? दिल चाह रहा था। मेरे बाबा को ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूर्वा, बाबर मेरा बचपन का दोस्त है, वो बहुत सीरियस है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको कभी भी ना बुलाता। बाबा उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। और आप? मैं तो उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती। आप ये बात एक बार उससे खुद कह दें, शायद उसे सुकून मिल जाए। एक्सक्यूज मी। ओ बेटा, वो बाबर अपना मोबाइल कहीं भूल गया है यहाँ। मोबाइल ये लीजिए। आप पूर्वा हो ना? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबर तो आपकी तस्वीर लिए सारे दिन कमरे में बैठे रहता है। उसी से मिलने आई हो ना? अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बाबू। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, बस मुझे घर छोड़ दो। जारा पानी पिलाओ। जी नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे घर छोड़ दो, बाबा खफा हो रहे होंगे। मैं उन्हें फोन करके बताता हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। चलो। पूर्वा, अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चले। नहीं। वैसे ये अचानक तुम्हें हुआ क्या था? पता नहीं, शायद पापा की टेंशन की वजह से। देर से आने पर वो बहुत सारे सवाल करेंगे।
और शायद मेरे पास इतने सारे जवाब ना हो। ओ ज़िक्रिया। जी दादाजी। तुझे घड़ी देखनी आती है? आती है दादाजी। देख 200, ये अच्छी घड़ी है। टाइम छोटी सी 9 पे और बड़ी 10 पे। तो क्या बजा? 9:10 हो गए ना। तूने टाइम देखना सीख लिया। तूने सीख लिया, लेकिन तूने अपनी बेटी को नहीं सिखा है। बाबा आ जाती है अभी, पब्लिक सवारी है, देर सवेर तो हो ही जाती है। और ज़िक्रिया, बाहर जाके देख ऐसी कौन सी पब्लिक सवारी है जो पुरवा को घर के दरवाजे तक छोड़ने आ गई। देख ज़िक्रिया, तुम बैठो, मैं देखता हूं। बाबा आप परेशानी में भी ऐसी बातें करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आप परेशान हैं या तंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। पुरवा को ऑफिस में देर हो गई थी तो इसने मुझे बुला लिया। ठीक है, मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया बरकरदार। पुरवा, आइंदा अगर ऑफिस में देर हो जाए तो जिब्रान को फोन करना, वो तुम्हें ले जाएगा। इन्हें तकलीफ मत देना, बड़े लोग हैं, बहुत काम होते हैं इन्हें। इन्हें तकलीफ देना बहुत बुरी बात है। अगर इसने कभी तुम्हें ड्राइवर के हाथ भेज दिया तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? तुम जा सकते हो बरखुर्दा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कालू जान की कोई बात भी बेमौका नहीं होती। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कोई वजह जरूर होगी, और वो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो? मॉम, आपको अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए प्लीज ऊंचा मत बोले। ड्राइवर भेजा था ताकि उन्हें इज्जत से ले आए। कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती। सिर्फ इज्जत ही तो रास है उन्हें, इसीलिए आपकी भेजी हुई सवारी को उन्होंने किसी काबिल ना जाना। वैसे आपने उन्हें बुलाया क्यों था? बिला वजह तो आप मुझे भी आवाज नहीं देती। उनके बेटे ने हमारी बेटी पर इल्जाम लगाया था। वो समझता है कि मैं उसे दामाद बना ही लूंगी। इतने बुरे हालात नहीं हुए कि मैं मखमल में टाट का पैबंद लगा लूं। मॉम, फॉर गॉड्स सेक, अपना लहजा, अपना गुरूर बचा के रखे। ऊपर वाली जात बहुत बेनियाज है। वहाब, मेरा ख्याल है तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। मॉम, उन्हें बुलाने से पहले आपने नताली से पूछा था कि उस इल्जाम में सच्चाई कितनी है? मैं अपनी बेटी को उसकी नजरों के सामने क्यों शर्मिंदा करूं? नताली, नताली, नताली! जी भाई। तुम यूनिवर्सिटी गई थी? हाँ,
क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। ये भाई को क्या हुआ मामा? जाने क्या सुनकर आ गया आपा के घर से, आते ही गरजने बरसने लग गए। आप इनका वहां जाना बंद ही क्यों नहीं कर देती? क्या करूं, बहन का घर है, और फिर कभी मुसीबत के वक्त में अपना ही कोई काम आता है। मेहर बेगम, बच्चियों के कमरे में जाके तो ये भूल ही जाती हो कि तुम्हारा शौहर भी जिंदा है। ताया जी, और मेरा बड़ा दिल करता है आपकी तरह पुलिस वाला बनने को। क्यों भाई? बड़ा रोब है आपका, सारे डरते हैं आपसे। खाक रोब है मेरा, 2 घंटे से तो किसी ने चक्कर लगाकर पूछा नहीं। पूर्वा की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने पूछा तुमसे? हाय, अब तो रिटायरमेंट के बाद खाने का वक्त भी बदल गया। जिब्रान बेटा, तुम ही बता दो कि अब नया वक्त कौन सा मुकर्रर हुआ है। मैं अपने मेजर को समझा दूं कि इसकी कब सुनी जाएगी। मैं लगाती हूं खाना। ना 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 ना, तुम क्यों खाना लगाओगी? बेटियों से कहो वो खाना लगाएंगी। अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दो। हाँ, बताया जी, बेजी कहती है गुस्सा नहीं करना चाहिए, हराम होता है। हाँ बेजी ठीक ही कहती है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाय अल्लाह, फिर क्या? मैं इतना घबरा गई थी, वहां देख लेता तो। वैसे ना जारा को ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी। उसको क्या पता कि मैं वहां के साथ वहां जा रही हूँ। बाबर ने आज वहां पे था, उसने तुम्हें वहां पे बुला लिया, ये बात अच्छी है तुम्हारी नजर में? गलत है, बहुत गलत है। लेकिन अगर वहां मेरे साथ ना होता तो मैं वहां जाती भी ना। तो फिर तुम रोई क्यों? तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी कसम मैं समझना चाहती हूँ। सुनो, जब बाबा ने ये कहा कि तुम पूर्वा बेटी हो तो मेरा दिल तो उछल के हलक में ही आ गया। पता, उन्होंने मुझे बताया कि बाबर ने आज मेरी फोटो अपने कमरे में सजाकर पूरा दिन बैठा रहता है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे रोना आया इस बात पे कि मेरा इख्तियार मुझे धोखा क्यों दे रहा है। कितना रोक रहा था जफर हमें, और हम आ गए वहां से। अगर रुक जाते तो कितना अच्छा होता। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो वहां से चले आए। वहां पूर्वा बिटिया वहाब के साथ थी, तुम देखते तो तुम्हें अच्छा ना लगता। मैं खाना लगवाता हूँ, कुछ खा लो। डॉक्टर ने कहा था कि एंटीबायोटिक बगैर खाए पिए नहीं देना, इससे बहुत नुकसान होता है। नुकसान और फायदा की परवाह किसे है अब? लेकिन पूर्वा को वहां वहाब के साथ नहीं आना चाहिए था। जंग हो रही है? तुम नहीं हारोगी, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि तुम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर करीम बख्श की बेटी हो। खाना बच्चों की पसंद का बनाया करो। देख नहीं रहे
किस कदर बेदिली से खा रही है। निवाला गले से नहीं उतर रहा। अम्मी मेरे लिए सिर्फ चाय बना दे, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। दीदी मैं बना दूं चाय? नहीं तुम रहने दो, मैं बना लूंगी। ठीक है। अम्मी मुझे पुरवा की तबीयत बाकी ठीक नहीं लगी। मैं देखती हूँ। चाय। थैंक यू। जंग हो रही है? तुम नहीं हारोगी, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि तुम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर करीम बख्श की बेटी हो। ना खुद से उलझो, ना कुछ सोचो, चाय पियो और सुकून की नींद सो जाओ। सुबह जब उठोगी ना तो फ्रेश होगी सूरज की पहली किरण की तरह। ये किसका नंबर है? बाबर न्यास का। तुम्हें कैसे पता? पता चल गया। देखना अभी फोन बंद होगा फिर आएगा। फोन उठाओ और उसकी तबीयत साफ कर दो। ये लो उठाओ फोन और इसको बोलो कि आज के बाद तुम्हें फोन ना करें। हेलो। मैं तो सोई भी थी, तुम क्यों जाग रहे हो अभी तक? बहुत ही संजीदा सवाल पूछा है आपने। अच्छा ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। कुंडी लगा लेना क्योंकि चोर डाकुओं का ये पसंदीदा वक्त। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह के नाफरमान बंदे इस वक्त गहरी नींद सो रहे होंगे।